लाइंस एंड एंगल थ्योरम 6.7 क्लास 9 टॉपिक। थ्योरम 6.7 द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखा है? द सम ऑफ द एंगल, मतलब ये आपका वो ट्रेंगल कौन सा पी क्यू आर है और जिसमें इसमें एंगल कौन सा, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे एक्स वाई लाइन जो यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे इस तरह से खींच देंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ एंगल एक एंगल यहाँ बनाएंगे और एक एंगल यहाँ बनाएंगे। ये एंगल क्या होगा? 4, और ये कौन सा होगा? 5। ये एंगल कौन सा होगा? 4। ये एंगल 4 होगा और ये कौन सा होगा? एंगल नंबर 5 होगा। जब एक्स वाई लाइन जब बनाएंगे जो पी पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए पी को टच करते हुए जाएगी, ठीक है ना। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू पी क्यू आर, मतलब एक्स पी पैरेलल टू क्यू आर या फिर पी वाई पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। गिवन क्या, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द एंगल ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई जो टू पास होगी फ्रॉम पी, का नाम देंगे एक्स और ये वाई, ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा, एंगल फोर और ये एंगल क्या होगा? 5, ठीक है। तो फॉर लाइन एक्स वाई इज एंड पी क्यू आर, क्यू आर इज पैरेलल एंड पी क्यू इज अ ट्रेवर्सल लाइन्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इज अल्टरनेटिव एंगल्स। सेम ऐसे आ गया एंगल पी वाई इक्वल टू क्यू आर एंड वेयर वेयर एक्स वाई इक्वल टू क्यू आर वेयर वेयर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब लाइन एक्स वाई और लाइन एक्स वाई एंड क्यू आर, एक्स वाई कौन सी लाइन होगी? ये एक्स और ये वाई, तो एक्स वाई एंड क्यू आर पैरेलल एंड पी क्यू इज अ ट्रेवर्सल लाइन। ये है 4, ये है 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू पी इज अ ट्रेवर्सल लाइन ऑफ एक्स वाई एंड क्यू आर, सो डेट्स वाई एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, दिस आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम केस आर हियर फॉर लाइन एक्स वाई एंड पी आर, फॉर लाइन एक्स वाई एंड क्यू आर, पी आर इज अ ट्रेवर्सल लाइन, सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। फॉर लाइन एक्स वाई, आपके साथ एक्स वाई इज अ लीनियर पेयर, दैट्स वाई एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। अब जहाँ जहाँ एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू निकाली थी, मतलब एंगल फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होता है और एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3 होगा। हम वहाँ इस वैल्यू में एंगल इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें हैंस प्रूव करना था कि हमारा जो ट्रेंगल है 180 डिग्री के इक्वल है। सो वी हैंस प्रूव डेट दिस एंगल आर कॉल्ड अ 180 डिग्री इक्वल, दिस ट्रेंगल इज कॉल्ड अ 180 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।